खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका। सोशल मीडिया पर खाने को लेकर धर्म के एंगल से बहस छिड़ी है, जिसकी जड़ में है खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो। आखिर खाने को लेकर क्यों हिंदू और मुसलमान मचा है, देखिए इस वायरल न्यूज में। सोशल मीडिया के जमाने में आज एक ट्वीट ने सनसनी मचा रखी है और इस ट्वीट की जड़ में है वो विवाद जिसने देश की बड़ी फूड चेन कंपनी जोमैटो को सोशल मीडिया के चौराहे पर ला खड़ा कर दिया। दरअसल फूड चेन कंपनी के जरिए जबलपुर के रहने वाले पंडित अमित शुक्ला ने खाना मंगाया, लेकिन सावन के महीने में मुस्लिम डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेने से उन्होंने मना कर दिया और ट्वीट कर लिखा, मैंने अभी जोमैटो से किया एक ऑर्डर कैंसिल किया है क्योंकि वो मेरा खाना गैर हिंदू राइडर से भेज रहे थे और उन्होंने राइडर चेंज करने से भी मना कर दिया और मेरा पैसा भी वापस नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे खाना लेने से मजबूर नहीं कर सकते, मुझे मेरा पैसा वापस नहीं चाहिए। और देखते ही देखते ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया, ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड करने लग गया। जोमैटो ने इस पर रिप्लाई किया, खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना अपने आप में एक धर्म है। अब ट्विटर पर इसी बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि कौन सही है और कौन गलत। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं और मामले को तूल पकड़ता देख जोमैटो के मालिक दीपेंद्र गोयल ने भी ट्वीट कर लिखा, हमें गर्व है भारत के इस विचार पर। हमारे जो लोग अलग अलग ग्राहक हैं और हमारे जो लोग अलग अलग साथी हैं, उनकी विविधताओं पर भी हमें खुशी है। और अगर हम अपना कोई नुकसान मूल्यों को खोकर करते हैं तो हमें ऐसे नुकसान से कोई परवाह नहीं है। हालांकि धर्म को लेकर जोमैटो के साथ कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू होटल से खाना लेने से मना कर दिया था।